हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस सब्जेक्ट EBS क्लास 5th स्टैंडर्ड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू लेसन, लेसन नंबर 3, दैट इज़ वर्क इज वर्कशीप। ओके, तो हमें तीसरा चैप्टर हमें स्टार्ट करना है और टॉपिक का नाम वर्क इज वर्कशीप है। इसका मीनिंग होता है कर्म ही पूजा है या कार्य ही पूजा है। वर्क का मीनिंग क्या होता है? कार्य या कर्म। इस मतलब है और वर्कशिप मीन्स पूजा, तो हमारा जो कर्म ही पूजा है, ये टॉपिक है। लुक एट द पिक्चर बिलो, दिस इज द एक्टिविटी। यहाँ पर लेसन को स्टार्ट करने से पहले एक एक्टिविटी दी हुई है, इसे हम जल्दी से वॉच करते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखना है, इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी क्वेश्चन है जिसे करना है। ठीक है, क्या बता रहा है? व्हाट आर द जॉब बीइंग कैरिड आउट, पूछा गया है कि इन पिक्चर्स में क्या कार्य चल रहे हैं, क्या हो रहा है, ये पिक्चर्स को देखकर बताना है। ओके, तो यहाँ पर तीन अलग अलग पिक्चर्स में मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फर्स्ट पिक्चर जो है, स्वीपर हैज़ बीन क्लीनिंग द रोड, ठीक है, सफाई कर्मचारी है जो रोड को क्या कर रहा है, क्लीन कर रहा है। सेकंड, न्यूज़पेपर मैन हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग द न्यूज़पेपर, जो न्यूज़ वाला है, पेपर वाला, वो न्यूज़पेपर को क्या कर रहा है, बांट रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एंड थर्ड पिक्चर में जो है, गार्डनर हैज़ बीन पुटिंग वाटर इन द प्लांट्स, जो गार्डनर है, जो माली है, वो पौधों में पानी डाल रहा है। ठीक है, सेकेंड है, दैट विल हैपन इफ, सॉरी, वॉट विल हैपन If the people in the picture stop doing this job, पूछा गया है कि क्या होगा अगर जो पिक्चर में दिखाई दे रहे लोग हैं वे अपने कार्य को करना बंद कर दे। ठीक है, तो ये आपको सोचना है और इस एक्टिविटी पर लिखना है। वैसे इसका आंसर चैप्टर के एंड में आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ओके, अभी हम डायरेक्टली यहाँ पर आते हैं चैप्टर को रीड करने में। ओके, सो बेसिकली दिस स्टोरी अबाउट टीना, ये जो स्टोरी है वो टीना के बारे में है। टीना इस स्टोरी का पात्र है जो हमें इस सारे स्टोरी को बताएगी। तो स्टार्ट करें। व्हेन टीना वेक अप इन द मॉर्निंग, क्या बोला गया है? व्हेन मीन्स जब, जब टीना सोकर जागी, वेक अप का मतलब होता है जागना, नींद से जागना, कब जागी? मॉर्निंग में। ठीक है, जब टीना सुबह को जागी या जागती है तो क्या होता है? सी सीज हर मदर टेकिंग मिल्क बॉटल फ्रॉम श्रवण द मिल्कमैन, क्या देखा? उसने देखा कि जो उसकी मम्मा है, टीना की मम्मा, क्या कर रही है कि जो दूध की बॉटल ले रही है, किससे? श्रवण नाम का एक दूध वाला है। ठीक है, आप पिक्चर्स को भी देखते चलिए, ये पिक्चर्स भी दिए हुए हैं स्टोरी के बारे में। क्या देखती है? When Tina wake up in the morning, she sees her mother taking milk bottle from Shravan the milkman. टीना जब जागी सवेरे तो उसने देखा कि उनकी जो मम्मा है वो दूध की बॉटल ले रही है दूध वाले से, जिसका नाम श्रवण है। चमेली द मैट सर्वेंट हेल्प टीनास मदर इन हाउस होल्ड क्योर्स, चमेली जो कि टीना की क्या है, काम करने वाली, टीना क्या काम करने वाली, नौकरानी है। ठीक है, हेल्प अस टीनास मदर इन हर हाउस होल्ड क्योर्स, जो टीना की मम्मी की मदद कर रही है घर के कार्यों को करने में। चमेली क्लीन द डर्टी डिशेस एंड स्वीप्स द हाउस, चमेली क्या कर रही हैं? गंदे बर्तनों को, डर्टी डिशेस इट मीन्स गंदे बर्तन, गंदे बर्तनों को क्लीन कर रही है। एंड स्वीप्स द हाउस, और सफाई कर रही है घर की, घर की सफाई करना, स्वीप्स का मतलब होता है सफाई करना, झाड़ू लगाना। ठीक, ये जैसा कि दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, द गार्डनर सुरेश लुक आफ्टर द गार्डन आउटसाइड देयर हाउस, क्या कह रहा है कि जो गार्डनर है, जो माली है, जिसका नाम सुरेश है, क्या कर रहा है? गार्डन की देखभाल कर रहा है, जो कहाँ पर है? आउटसाइड देयर हाउस, किसके? टीना के घर के बाहर जो गार्डन है, वहाँ पर जो गार्डनर है वो गार्डन की देखभाल कर रहा है या गार्डन से रिलेटेड कार्यों को कर रहा है। टीना सीज कालू द स्वीपर फ्रॉम हर विंडो, टीना ने क्या देखा कि एक स्वीपर को देखा अपनी खिड़की से बाहर, जिसका नाम क्या है? कालू,
टीना ने कालू को देखा। द स्वीपर फ्रॉम हर विंडो ही स्वीप्स द स्ट्रीट आउटसाइड हर हाउस एवरी मॉर्निंग। वो क्या करता है, वे हर सुबह को स्ट्रीट की सफाई करता है, जो सड़क होती है उसके, जो टीना के घर के बाहर वाली जो गली है, स्ट्रीट है, उसे क्या करता है, हर सुबह उसकी सफाई करता है। चंदू इज द सिक्योरिटी गार्ड। अब बोला गया चंदू, चंदू क्या है, सिक्योरिटी गार्ड है। ही हैज़ बीन हायर्ड बाय नेबरहुड। उसे क्या किया गया है, हायर्ड किया गया, हायर्ड मीन्स नियुक्त करना या कार्य पर रखना, किसके द्वारा, पड़ोसियों द्वारा, ठीक है। चंदू इज़ द सिक्योरिटी गार्ड, ही हैज़ बीन हायर्ड बाय द नेबरहुड, जो पड़ोसियों द्वारा कार्य पर रखा गया है। हिश ड्यूटी इज टू मेक श्योर दैट नो अननोन पर्सन एंटर द नेबरहुड्स। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, हिस मतलब उसका, किसका, सिक्योरिटी गार्ड चंदू का क्या कार्य है, हिज ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब उसका कार्य, उसका कर्तव्य, उसका काम क्या है। ड्यूटी इज टू मेक श्योर दैट नो अननोन पर्सन एंटर द नेबरहुड, की क्या करना है उसका काम, उसका काम यह देखना है कि कोई भी अनजान व्यक्ति, अननोन पर्सन मीन्स अनजान व्यक्ति, क्या नहीं करना चाहिए, पड़ोस में घुसना नहीं चाहिए, ठीक है, ये उसका कार्य है सिक्योरिटी गार्ड का। टीना गोज टू स्कूल इन अ स्कूल बस विच इज ड्राइवन बाय सुखी। टीना स्कूल जाती है किससे, स्कूल बस में, टीना स्कूल बस में स्कूल जाती है। बस विच इज़ ड्राइवन बाय सुखी, और जिस बस को किसके द्वारा चलाया जाता है, सुखी द्वारा। सुखी किसका नाम हो सकता है, ड्राइवर का हो सकता है, जो स्कूल बस स्कूल द्वारा चलाई गई जा रही है उसमें। नेक्स्ट पैराग्राफ, टीनास पेरेंट टीच हर टू रिस्पेक्ट ऑल दिस पीपल हु हेल्प देम आउट इन देयर डेली लाइफ्स। टीनास पेरेंट टीचर, टीना के जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स मीन्स हमारे क्या, पेरेंट्स मीन्स मम्मी पापा, तो जो टीना के पेरेंट्स हैं वे टीना को सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, टीच हर टू रिस्पेक्ट ऑल दिस पीपल हु हेल्प देम इन, हेल्प देम आउट इन देयर डेली लाइफ्स। किसका रिस्पेक्ट करना सिखा रहे, रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान करना, टीना के पेरेंट्स टीना को सम्मान करना सिखाते हैं उन सभी लोगों का, ठीक है, दिस पीपल हु हेल्प देम, उन सभी लोगों का जो हमारी मदद करते हैं हमारी दैनिक जीवन में, ठीक है। अब कौन कौन लोग, जैसे कि यहाँ सारे लोग जो पिक्चर्स में दिखाए गए हैं, ये सारे लोगों को की ज़रूरत हमें पड़ती है, ठीक है। They teach Tina that each job is necessary for society to work properly. उनके पेरेंट्स ने उन्हें बताया कि हमें इन सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे लिए काम आते हैं। उन्होंने ये भी सिखाया, They teach Tina, उन्होंने क्या सिखाया, That each job is necessary for society to work properly. यह कि कोई भी कार्य हो वो समाज के लिए जरूरी होता है। जॉब मीन्स कार्य, नेसेसरी मीन्स जरूरी होना या आवश्यक होना, फॉर सोसाइटी, सोसाइटी मीन्स समाज, टू वर्क प्रॉपरली, कि जो कार्य को सही तरीके से करने के लिए, ठीक है, या समाज को चलाने के लिए जो कोई भी जॉब है वो छोटा नहीं होता, हर जॉब जरूरी होती है। वी कैन नॉट डू ईच एंड एवरी टास्क बाय ओवर सेल्फ, यह कि हम हर कार्य को खुद से नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट डू ईच एंड एवरी टास्क बाय आवर सेल्फ, हम हर एक कार्य को नहीं कर सकते हैं खुद से। वी डिपेंड ऑन अ लॉट्स ऑफ पीपल टू हेल्प अस, और ऐसे अलग अलग कार्यों के लिए हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। डिपेंड्स, वी डिपेंड ऑन लॉट्स ऑफ पीपल, डिपेंड मीन्स निर्भर होना, हमें बहुत सारे लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है ऐसे अनेकों कार्य के लिए। टीनास नेबर्स गिव स्वीट्स एंड गिफ्ट टू ऑल दीज हेल्पर्स ऑन दिवाली। अब यहाँ बताया गया है कि जो टीना के नेबर्स हैं वो क्या करते हैं, टीनास नेबर गिव स्वीट्स एंड गिफ्ट्स, तो जो टीना के पड़ोसी हैं वे इन सभी लोगों को, जो लोग
हमारे दैनिक कार्य में मदद कर रहे हैं, इन सभी लोगों को दिवाली पर गिफ्ट्स और मिठाइयाँ बांटते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है दैट टीनास नेबर गिव स्वीट्स एंड गिफ्ट टू ऑल दिस हेल्पर्स ऑन दिवाली। दिवाली पर ऐसे सभी हमें मदद करने वालों को मिठाई और गिफ्ट्स बांटे जाते हैं पड़ोसियों द्वारा। शिवा इज अ मिल्कमैन, ही डिलीवर मिल्क एट टीनास हाउस। अब यहाँ क्या बताया गया, शिवा इज़ अ मिल्कमैन, ये बताया गया शिवा इज़ अ मिल्कमैन, शिवा एक दूध वाला है। ही डिलीवर मिल्क एट टीनास हाउस, वो क्या करता है, उसका काम क्या है कि वे हर रोज़ टीना के घर पे दूध देने के लिए आता है। ऐसा हम सभी के घरों पर होता है कि हमारे घर कोई ना कोई दूध देने वाला रोज़ सुबह आता है जिससे हम दूध खरीदते हैं। ठीक है, फारूक इज़ अ न्यूज़पेपर मैन, ही डिलीवर न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। वैसे ही जो फारूक है एक न्यूज़पेपर वाला है जो क्या करता है, हर रोज़ हर सुबह हमारे घरों में क्या करता है, न्यूज़पेपर लाकर देता है, जैसे कि टीना के घर में लाके दे रहा है। तो वैसे ही हम अक्सर देखते हैं कि हमारे भी घरों में पड़ोस मोहल्लों में कोई न्यूज़पेपर वाले सुबह आते हैं और हमारे घरों पर न्यूज़पेपर छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग कार्य होते हैं। पीपल वर्क इन डिफरेंट वे टू अर्न देयर लाइवलीहुड। ऑल वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ क्या बताया गया है कि पीपल वर्क इन डिफरेंट वे टू अर्न देयर लाइवलीहुड। जो लोग होते हैं वे अलग अलग प्रकार के कार्यों को करते हैं अपनी जीवन को क्या यापन करने के लिए, अपनी जीविका को उपार्जन के लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे जो लोग हैं अलग अलग कार्यों को करते हैं, ठीक है, जीवन जीने के लिए। ऑल वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, सभी जो कार्य क्या होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड वैल्यू पीपल हु हेल्प अस, हमें क्या करना ज़रूरी है, रिस्पेक्ट करना कर जरूरी है और उनकी वैल्यू करना ज़रूरी है ऐसे सभी लोगों की जो हमें ऐसे कार्यों में मदद करते हैं। एनी जॉब डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। एनी जॉब डन टू अर्न मनी, ऐसी कोई भी जॉब या ऐसा कोई भी कार्य जिससे कि हम पैसा कमाते हैं या पैसा कमाने के लिए हम जो भी काम को करते हैं उस कार्य को हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का हिंदी मीनिंग होता है व्यवसाय। ओके, सम पीपल वर्क फॉर फ्री टू सर्व द कम्युनिटी, सच वर्क इज कॉल्ड सोशल वर्क। और कुछ इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो समुदाय के लिए फ्री में कार्य करते हैं, ठीक है, बिना किसी पैसों के, तो ऐसे कार्य को क्या कहा जाता है, सोशल वर्क। सोशल वर्क का मीनिंग होता है समाज सेवा। ठीक है, तो चैप्टर को हमने जहाँ पर देखा, वर्क इज वर्शिप का मीनिंग कि कर्म ही पूजा है। और इस जो पूरे लेसन में हमने देखा कि टीना से रिलेटेड स्टोरी है और हमें वो पिक्चर्स के द्वारा अलग अलग स्टोरीज़ को बता रही है कि हमारे जो डेली लाइफ में है काफ़ी सारे लोग जो है हमें अलग अलग चीज़ों में हेल्प करते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे कार्यों को खुद से नहीं कर सकते हैं, जैसे सफाई वाला है, न्यूज़पेपर वाला है, गार्डन वाला है, फिर ये मेड सर्वेंट है, काम वाली है। तो ऐसे अलग अलग कई कार्य होते हैं जिन कार्यों को करने के लिए लोग हमें मदद करते हैं और ये उनका पेशा है, अलग अलग कार्य। तो यहाँ ये बताया गया है कि कोई भी काम जो होता है वो छोटा नहीं होता, हर काम ज़रूरी होता है और हमें ऐसे काम करने वालों की क्या करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, उनकी वैल्यू करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन के जो कार्यों को क्या करते हैं, आसान बनाते हैं। ओके, अब चलिए अब सेकेंड टॉपिक पर आ जाते हैं इसके। ट्रीटिंग एवरीवन इज़ इक्वल, इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति को बराबरी का दर्जा देना या बराबरी की तरह सम्मान करना। ट्रीट करना मीन्स व्यवहार करना, सबसे एक जैसा और समान रूप से व्यवहार करना। ठीक है, ट्रीटिंग एवरीवन एज इक्वल, सभी से एक समान व्यवहार करना। अब यहाँ पर हम देखेंगे ट्रीटिंग एवरीवन एज इक्वल, सभी से एक समान व्यवहार करना। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस लो कॉस्ट पीपल डिड अनस्किल्ड जॉब लाइक स्वीपिंग
द फ्लोर एंड क्लीनिंग द टॉयलेट्स. ठीक है. इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, इट मीन्स कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारत में स्वतंत्र प्राप्ति के पहले, जब भारत आज़ाद देश नहीं था, तब क्या होता था? लो कॉस्ट पीपल डिड अनस्किल्ड जॉब्स. जो निम्न वर्ग या निम्न जाति के जो लोग थे, वे क्या करते थे? अनस्किल्ड जॉब करते थे. मीन्स अकुशल. अनस्किल्ड का मतलब होता है गैर कौशल वाला. अकुशल जॉब्स में या कार्यों पर लिप्त थे. जैसे कि क्या होता था? स्वीपिंग द फ्लोर, की साफ सफाई करना सफाई कार्यों में. एंड क्लीनिंग द टॉयलेट्स, कि जो शौचालय होते हैं या जो टॉयलेट्स होते हैं उनको क्या क्लीन करना होता था, ये उनके कार्य हुआ करते थे. एंड हाई कास्ट पीपल एल ट्रीटेड दैम, और जो उच्च वर्गीय जो लोग थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया करते थे. ये बहुत पुराने समय की बात थी, तब भारत में अशिक्षा थी और जो देश इंडिपेंडेंट भी नहीं था और देश में अंग्रेजों का शासन था. और उस समय में हमें ये देखते हैं इतिहास में कि क्या कास्टिज्म था और रूढ़िवादिता बहुत चालू थी, प्रथा चालू थी, जो गैर रूढ़ी बोलना चाहिए उसे, कि जो रूढ़िवादिता काफ़ी थी और जातिवाद का काफ़ी उस समय बहुत मैटर करता था. तो उस समय में अलग अलग इस तरह का दुर्व्यवहार भी किया जाता था निम्न वर्ग के लोगों से. ओके. लो कास्ट पीपल वेयर कंसिडर्ड एज अनटचेबल, सो दे वेयर फोर्स्ड टू लीव आउटसाइड द विलेज. तो उसमें क्या होता था कि जो निम्न वर्ग के लोग थे, जिन्हें छोटी जाति का कहा जाता था, वे लोग क्या करते थे? उनको अनटचेबल्स कहा जाता था. अनटचेबल्स का मतलब होता है जिन्हें छुआ न जाए, मीन्स उन्हें अछूत कहा जाता था. ठीक है. तो इस वजह से क्या किया जाता था? सो दे वेयर फोर्स टू लीव आउटसाइड द विलेज. तो उन्हें कैसे मजबूर होना पड़ता था? गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था. दे वेयर फोर्स टू लीव आउटसाइड द विलेज, कि उन्हें गांव के बाहर में एक अलग टोली बनाकर रहने को मजबूर होना पड़ता था. दे वेयर आल्सो नॉट अलाउड टू यूज द वेल दैट वेयर यूज्ड बाय हाई कास्ट पीपल. ठीक है. उन्हें क्या था? उन्हें ऐसे कोई भी कार्य की अनुमति नहीं थी, या उन्हें दे वेयर आल्सो नॉट अलाउड टू यूज़ द वेल्स. वेल्स का मतलब होता है कुएँ. ठीक है. उन्हें उन कुओं को उपयोग करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी. क्या? वेल्स दैट वेयर यूज्ड बाय हाई कास्ट पीपल, जिन कुओं का यूज़ उच्च वर्ग के लोग या ऊँची जाति के लोग किया करते थे, ऐसे कुओं का जो यूज़ है वे निम्न वर्ग के लोग नहीं कर पाते थे, उन्हें इसकी अनुमति नहीं थी. दे वेयर नॉट अलाउड टू वर्शिप्ड इन टेम्पल मीन्ट फॉर हाई कास्ट पीपल. इन्हें और किस चीज़ की अनुमति नहीं थी? दे वेर नॉट अलाउड टू वर्शिप इन टेम्पल, कि उन्हें उच्च वर्गों के लोगों के मंदिरों में पूजा करने की अनुमति भी नहीं थी. वर्शिप का मतलब होता है पूजा. ठीक है. तो इन्हें पूजा करने की भी अनुमति नहीं थी जिन मंदिरों में उच्च वर्ग के लोग जाया करते थे. ठीक है. तो ये पुराने समय में ऐसी रूढ़िवादिता चली आ रही थी. फिर आगे हम रीड करते हैं. महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. अब महात्मा गांधी को हम जानते हैं. हु इज महात्मा गांधी? महात्मा गांधी वॉज द फ्रीडम फाइटर, द ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया. ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन. जो महात्मा गांधी हैं वे बहुत बड़े महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे. ठीक है. जिनका देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान था, और इन्हें उनके इस योगदान के लिए राष्ट्रपिता या फादर ऑफ द नेशन कहकर सम्मानित किया गया है, या उन्हें इस नाम से जाना जाता है. इन्होंने क्या किया? फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. उन्होंने ये जो अनटचेबिलिटी थी, मीन्स ये जो छुआछूत की भावना उस समय समाज में प्रचलित थी, उन्होंने इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी.
ही नेम्ड अनटचेबल्स एज हरिजन। उन्होंने ऐसे अनटचेबल्स लोगों को, अनटचेबल्स मीन्स वे लोग जो निम्न वर्ग के थे, निम्न जाति के लोग थे, ठीक है, जिन्हें लोग अछूत कहा करते थे, उन्हें क्या नाम दिया? हरिजन नाम दिया। और हरिजन मीन्स पीपल ऑफ गॉड। उन्होंने ये बताया कि ये लोग हरिजन्स हैं, एंड हरिजन मीन्स पीपल ऑफ गॉड। एंड हरिजन का जो अर्थ होता है, वे ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान के लोग हैं या भगवान द्वारा भेजे गए हैं अच्छे कार्यों के लिए। ओके, गांधी जी आल्सो वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन। गांधी जी ने हरिजनों के उत्थान के लिए भी बहुत ज़्यादा कार्य किए, ठीक है। तो उस समय जब ऐसे समाज प्रथा चली आ रही थी, तब जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने जो थी इस रूढ़ी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, समाज को जागरूक किया, और जो अनटचेबल जो निम्न वर्ग के लोग थे, उन्हें हरिजन नाम दिया, ठीक है। और उन्हें ये बताया कि ये जो है भगवान के ही बनाए हुए व्यक्ति हैं, और फिर उन्होंने उनके उत्थान के लिए समाज में कार्य किए। He believed in the dignity of labor. इनका विश्वास था क्या कि लेबर मीन्स कामगार, हर कामगार की एक गरिमा होती है। डिग्निटी मीन्स गरिमा, ठीक है, गरिमा, इज्जत, महत्व, ये होता है। तो उनका विश्वास था महात्मा गांधी का कि हर कामगार का, हर मजदूर की एक अपनी गरिमा, एक आत्मा सम्मान होता है। फॉर्चुनेटली अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलाइज्ड इन आवर कंट्री। फॉर्चुनेटली का मतलब होता है सौभाग्य से, ठीक है, सौभाग्य से जो अनटचेबिलिटी थी मीन्स या जो अछूतपन की जो भावना थी, वे क्या हो गई? समाप्त कर दी गई। कहाँ पर? भारत में। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलाइज्ड इन आवर कंट्री। तो सौभाग्य से जो ये अछूतपन की जो भावना थी, हमारे देश में समाप्त कर दी गई। अबोलाइज्ड मीन समाप्त कर देना, इन आवर कंट्री। इट इज़ नाउ अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। अब अगर कोई इस तरह की अछूत जो वाली रूढ़ी को फॉलो करता है, या इसको प्रचारित करने की कोशिश करता है, या ऐसी भावना से कार्य करता है, तो ये क्या होता है? पनिशेबल ऑफेंस मीन्स दंडात्मक अपराध माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कानून में ऐसे बदलाव किए गए कि अब अगर कोई भी व्यक्ति किसी से अगर इस तरह का व्यवहार करेगा, तो उसे अपराधी माना जाएगा, और उसे उस पर क्या होगा? दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा दंडात्मक अपराध इसको माना जाता है। वी मस्ट ट्रीट द पीपल हु वर्क फॉर अस इक्वल। वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल ऑक्यूपेशंस, ठीक है। वी मस्ट ट्रीट द पीपल हु वर्क फॉर अस अवर इक्वल। हमें क्या करना जरूरी है? हमें ऐसे सभी लोगों से एक समान कार्य, एक समान व्यवहार करने की ज़रूरत है जो हमारे लिए कार्य करते हैं। वे सभी हमारे बराबर हैं, ठीक है। हमें ऐसे सभी लोगों की इज्जत करना चाहिए, हमें सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे बराबर हैं, इक्वल्स होते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट टू ऑल ऑक्यूपेशन। साथ ही हमें सभी जो ऑक्यूपेशन से मीन्स व्यवसाय हैं, सभी के व्यवसायों की इज्जत करनी चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। हर कार्य का एक अपना स्तर होता है, और हर कार्य जरूरी होता है। सोशल रिफॉर्म्स, रिफॉर्मर्स, सोशल रिफॉर्मर्स मीन्स होता है समाज सुधारक, ठीक है। सोशल मीन्स समाज, रिफॉर्मर्स मीन्स सुधारक। रिफॉर्म्स से रिफॉर्मर्स शब्द बना है। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार करना, एंड रिफॉर्मर्स मीन्स सुधारक। सो सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो यहाँ पर नाम दिए हुए हैं कि ऐसे समाज सुधारक हमारे देश में हुए, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऐसे लोग। एंड मेनी अदर वर्ड फॉर हार्ड टू प्रमोट डिग्निटी ऑफ लेबर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी, किसके लिए? वर्क वेरी हार्ड टू प्रमोट डिग्निटी ऑफ लेबर। जो कामगार, जो मजदूर हैं, उनकी गरिमा, उनके सम्मान को ऊंचा उठाने के लिए, ठीक है, उन्हें प्रमोट करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए समाज में बहुत कार्य किया। दे फेल्ट
दैट एजुकेशन इज़ द बेस्ट टूल टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द मैसेस टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। दे फेल्ट, फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना, ठीक है। उन्होंने ये महसूस किया कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, शिक्षा ही सबसे बेहतर शस्त्र है या हथियार है। टूल्स का मतलब होता है कि शस्त्र या कोई औजार, ठीक है। ये हम कहावत के तौर पे लेते हैं कि जो शिक्षा है वही सबसे बड़ा सूत्र है, सबसे बड़ा औजार है। किस लिए? तो क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द मैसेस, क्या करने के लिए? जागरूकता। अवेयरनेस का मीनिंग्स होता है जागरूकता, ठीक है। जो समाज के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार होता है। टू ट्रीट एवरीवन इक्वल, और इस जागरूकता क्यों फैलानी है कि सभी से, जो हर किसी को है वो हर कोई बराबर है, सभी से समान रूप से व्यवहार करना जरूरी है। तो ऐसी जागरूकता अगर समाज में लानी है तो सबसे पहले समाज को शिक्षित करना होगा। ये ऐसा महसूस किया गया कि इनके द्वारा, ये जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, समाज सुधारक थे, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, राम मनोहर लोहिया, और भी ऐसे अनेक समाज सुधारक लोग हुए जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया गया, ठीक है। और साथ ही में हम देखते हैं महात्मा गांधी ने भी कार्य किया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी हुए, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए हैं और समाज में ये जागरूकता फैलाई गई है, ठीक है। अब हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, वो नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो अगले पार्ट में देखेंगे। ओके, बाय।